ने आकर के मुझे बताया, और जैसे ही पता लगा जनरल वीके सिंह आज वापस आ रहे हैं, अगले दिन मैंने परिवारों को बुला लिया और सारे परिवारों के सामने उनकी बताई हुई बात पहले स्वयं कही, फिर उनसे कहा कि आप बोलो क्या कहा था उन्होंने। और बहुत बड़े अधिकारी से उनकी बात हुई थी बगदाद में, क्योंकि एरबिल में उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर उन्होंने कहा मैं बगदाद जा रहा हूँ। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि हमारे पास अपनी सोर्सेज से, इंटेलिजेंस सोर्सेज से जो खबर है वो ये कि वो लोग मोसुल एयरफील्ड से पकड़े गए, उसके बाद कुछ दिन जेल में रखे, फिर उन्हें हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के काम में लगा दिया, उसके बाद उन्हें से खेती का काम करवाया, लेकिन 2016 के शुरू में उन्हें बदरूस जेल भेज दिया गया। उसके बाद आज तक हमारा उनसे संपर्क नहीं है। 2016 की शुरुआत यानी सवा साल डेढ़ साल हो गया। इस सवा साल डेढ़ साल में क्या हुआ? उन्होंने कहा कि संपर्क नहीं है। 2016 की बात वो कर रहे हैं कि बदरूस जेल में थे, उसके बाद हमारा संपर्क नहीं है। ये बात जस की तस, बिना कॉमा बिना फुल स्टॉप लगाए मैंने परिवारों को बताई। फिर मैंने जनरल साहब से कहा कि आप डायरेक्ट बताइए, और जनरल साहब ने हूबहू वही बात उनके सामने रखी। तो कभी नहीं कहा सुषमा ने वो बदरूस जेल में आज हैं। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये तस्वीर केवल इतना बताती है कि जेल ढह गई, लेकिन ये तस्वीर हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। हमारे प्रश्न हैं कि क्या उस समय जब ये जेल ढही भारतीय नागरिक उसमें थे? अगर थे तो कितने थे, कौन कौन थे? दूसरा, क्या जेल को ध्वस्त करने से पहले वहाँ के बंदियों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था, या वो सारे के सारे मार दिए गए? और अगर यहाँ के सारे प्रिजन के लोग, क्योंकि वो 20,000 लोग इतने आ सकते, इतनी बड़ी प्रिजन है, तो उन लाशों का क्या हुआ? क्या वो लाशें आज भी हैं, और क्या इस हालत में है कि DNA करके उनका ये पता लगाया जा सके? ये प्रश्न सब अनुत्तरित हैं। ये कह देना कि सुषमा ने कहा था कि वो जेल में है और ये देखो जेल तो ढह गई, ये जो पूरा भ्रम फैलाया गया है पुराने 5 दिन से, मैं इसी की स्थिति स्पष्ट करना चाहती थी। दूसरी बात, जब इराक के विदेश मंत्री यहाँ आए तो मैंने आपसे पहले दिन अनुमति की थी कि मैं 5 बजे इसलिए बोलना चाहती हूँ कि 12 से 3 बजे तक हमारी मीटिंग है, दोनों राज्य मंत्री मेरे उनके साथ थे। उन्होंने हूबहू वही बात कही कि एक्सलेंसी हमारे पास ना कोई ठोस सबूत जिंदा होने का है, ना कोई ठोस सबूत मारे जाने का है, और जिस अधिकारी की बात आपके विदेश मंत्री कर रहे हैं वो भी आज सर्टेन नहीं है, क्योंकि 2016 के बाद उन्होंने कहा हमारा कोई संपर्क नहीं, उनके पास कोई सूचना 2016 के बाद की नहीं, इसलिए वो भी आज सर्टेन नहीं है कि वो जिंदा हैं या मर गए, लेकिन हम पूरी तरह से उनकी तलाश करेंगे। उन्होंने बाहर भी कहा वी डू नॉट नो वेदर दे आर अलाइव और डेड, तो अखबार की सुर्खी आती है FM इराक से दे आर नॉट अलाइव, ही नेवर सेड दे आर नॉट अलाइव, ही सेड वेदर दे आर अलाइव और डेड वी डोंट नो। और मैं आपसे बताती हूँ कि इतनी पैशनेटली मेरी और उनकी बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि मैं जो कंपैशन आप में देख रहा हूँ और जिस पैशन से आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ इराक में कहा जाता है वेट इज़ वर्स देन डेथ, लेकिन क्या करें एक्सलेंसी, इस स्थिति में केवल वेट की ही एक आवश्यकता है और हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि देखिए एक्सलेंसी, मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। बोले क्या? कि अब आप मुझे जो भी जानकारी दें वो सबूत के साथ दें, मैं बिना सबूत की जानकारी नहीं लूंगी, क्योंकि मैंने बिना सबूत की जानकारी पे 12 बार परिवारों को तसल्ली दी है, अब मैं उन्हें बिना सबूत के तसल्ली नहीं दे सकती। और मैंने कहा सबसे बड़ा ठोस सबूत जो हो सकता है, तो मैंने ही उन्हें सुझाव दिया कि आप इस प्रिजन के वार्डन से अगर संपर्क कर सकते हैं तो करिए, उनके पास बंदियों की सूची होती है, देखिए कि क्या उस सूची में भारतीय नागरिकों के नाम हैं, अगर हैं तो किन किन के हैं, ये एक बड़ा पुख्ता सबूत होगा। मैंने कहा अगर सूची डिस्ट्रॉय हो गई, बंदा बच गया, मतलब प्रिजन वार्डन सुना था कि पहले स्केप कर गए, मुझे नहीं मालूम, तो दूसरा मैंने उनसे कहा कि फिर उनकी याददाश्त के अनुसार से इतना तो पता करिए कि क्या इंडियन नेशनलिटी के लोग थे तो कितने थे। मैंने कहा ये सबसे आसान और सबसे ज़्यादा पुख्ता सबूत होगा इसका। तो उन्होंने ये कहा कि हम बिल्कुल इराकी की तरह नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि हमें जो मन पर बोझ है वो ये कि ये भारतीय इराक को रीबिल्ड करने आए थे, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, लेकिन ये वहाँ आकर फंस गए, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको ढूंढें।
तो जो बात आपने कही है हम उसको भी सामने रखेंगे, बाकी भी हम जितना कर सकेंगे उसको हम करेंगे। लेकिन मैंने कहा पर मुझे दीजिए सबूत, मैं आज तक सबूत मांगती रही, मुझे सबूत नहीं मिला, इसलिए मैं परिवारों को कहती रही। ये जानकारी है वो भी दूसरे सूत्रों के माध्यम से मिली हुई है, कोई डायरेक्ट संपर्क हमारा नहीं है, लेकिन अब मुझे सबूत दीजिए। अगर वो जिंदा है तो ये बताइए वो कहाँ हैं, कितने हैं, कौन कौन है, और सबूत के तौर पर अगर वो हिंदी या गुरमुखी में लिख कर दे दें अपना नाम, अपने गांव का नाम, तो वो और भी ज़्यादा पुख्ता सबूत होगा। या इमेज मिल जाए, मतलब जो भी दीजिए ऐसा सबूत दीजिए जिसको मैं पक्का और ठोस सबूत कह सकूं। उसके बिना ना तो मैं उन परिवारों को बुलाऊंगी और ना उनसे बात करूंगी जब तक मेरे पास सबूत नहीं आ जाता। तो उन्होंने केवल मुझे ये बात नहीं कही कि मैं आपके दर्द को समझ रहा हूं। उसके बाद एमजे अकबर साहब ने उनको कल लंच दिया, डिनर दिया, उस पर भी उन्होंने उस बात को दोहराया कि अपनी विदेश मंत्री से ये बात कह देना कि हम पूरी तरह से तलाश करेंगे और अब उन्हें जो भी बताएंगे वो सबूत के साथ बताएंगे, बिना सबूत के नहीं बताएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, मैंने कभी गुमराह नहीं किया और गुमराह करने का लाभ मुझे क्या होता। मेरी लोकतंत्र में बहुत आस्था है और संसद में उससे भी ज़्यादा आस्था है, और मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई मंत्री या कोई सांसद संसद के फर्श पर खड़े होकर गलत बयानी करता है तो ये घोर अपराध है। लेकिन तो भी अगर करता है तो किसी लाभ के लिए करता होगा, या तो व्यक्तिगत लाभ, या उसकी सरकार को लाभ, या किसी दूसरे का नुकसान करने के लिए करता होगा। मैं पूछना चाहती हूँ अपने साथियों से कि गुमराह करने से क्या तो लाभ मुझे मिल रहा है, क्या लाभ हमारी सरकार को मिल रहा है, और किसका क्या नुकसान हो रहा है। मैं तो अपना फर्ज निभा रही हूँ। देखिए अगर मैं मरा हुआ घोषित कर दूं तो मेरे लिए तो बहुत आसान है, ना ये लोग सवाल पूछेंगे ना परिवारजन मेरे पास आएंगे, वो कहेंगे कि ठीक है आपने कह दिया, मारे गए। लेकिन मैं आपको एक और घटना बताती हूं अध्यक्ष जी जो सुनने लायक है इनके। इसी पंजाब के और 6 परिवार मुझसे 1 साल पहले मिलने आए और उन्होंने ये कहा कि हमारे किसी का पति था, किसी का पिता, किसी का बेटा 1971 की लड़ाई में शहीद घोषित कर दिए गए। बोले तब टीवी तो होता नहीं था, ऑल इंडिया रेडियो में भी कह दिया गया कि वो शहीद हो गए और हमने उनको शहीद मानकर अरदासा कर दिया और हम आगे बढ़े। 45 साल बाद वो कहते हैं 2016 में एक जेल से हमारे गांव के पास का व्यक्ति छूटकर आया और उसने आकर हमसे कहा कि वो तो जिंदा, वो तो मेरे साथ जेल में। अब तब से वो परिवार मुझे कह रहे हैं निकाल के लाओ, निकाल के लाओ। मैंने उसी दिन उनसे उनकी फ़ोटो, उनका पूरे पटकलस ले लिए और गौतम बम्बा वाले जो हमारे इस्लामाबाद में हाई कमिश्नर हैं उनको भेजा और कहा कि पता करके दो, इस जेल में वो व्यक्ति बता रहा है, इस जेल में से पता करके दो। अब पाकिस्तान कहता है कि नहीं वो तो नहीं है हमारे पास, हमारे पास जो प्रिजनर्स की सूची है उसमें इनका नाम नहीं है। अब इराक से अगवा भारतीयों को लेकर बयान दे रही थी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, बड़ी खबर पर रहेगी नजर।